साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, हम लोग आज अभी देश में शिशु मृत्यु दर में कमी के टॉपिक पर जानकारी शेयर करेंगे। अखबार की सुर्खी से है तो इसमें दो दृष्टिकोण से पढ़ना है, एक तो तथ्यगत और दूसरा अद्यतन जो आपके करंट अफेयर के यानी समसामयिक दृश्य से होता है वह। तो देखिए, देश में शिशु मृत्यु दर में कमी यानी 2017 में देखिए कितना हुआ है, 39 मौत प्रति 1000 बच्चों पर, और 2016 में जबकि ये रहा है 44 मौत प्रति 1000 बच्चों पर। तो 44 के मुकाबले 39 यानी कम हुआ है, यह एक अच्छी खबर है। अब जान लेना है कि जो शिशु मृत्यु दर है उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि ये साल लगे हाथों भी जान लिया जाए। तो देखिए, एक वर्ष के अंदर किसी देश में प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या उस देश की में शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अब हम लोग ये देखें कि जब अगर मौत का आंकड़ा कम हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये अच्छी खबर है और हमारे देश का आर्थिक विकास का जो पैमाना है उसमें एक बात ये भी पूरी होती है। अब देखिए, यह एक अच्छी खबर। वर्ष 2017 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ये अगर लाख में देखें तो 8.2 लाख, इतने मतलब बच्चे जो है मौत के शिकार हुए हैं वर्ष 2016 में, जबकि ये आंकड़ा कितना था शिशुओं के मृत्यु का, 8.67 लाख, अर्थात 65 लाख बच्चे इस साल 2017 वाले साल में कम मरे हैं। इनकी मृत्यु कितने 65,000 बच्चों की कम मृत्यु हुई है, ये सुधार का आंकड़ा है। भारत में प्रति दो मिनट में 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये आंकड़ा जो है कौन जारी करता है वो अभी देखेंगे। आपकी जो है जो जारी होता है ये हमारे देश के किसी एक देश द्वारा नहीं जारी होता, समेकित रूप से ये जारी हो। तो यह आंकड़ा कौन जारी करता है, नंबर एक इसके जारी करने वाले 4 हैं। नंबर एक है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए याद करना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी ये चीज जो है संक्षेप में यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों के शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा जारी करने वाली संस्था का पहला नाम हुआ यूनिसेफ। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको संक्षेप में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इसका फुल फॉर्म है तो संक्षेप में WHO कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नंबर 2 है, जो कि विश्व में या किसी देश की हालत को देखते हुए वहां पर शिशु मृत्यु दर के आंकड़े जारी करता है, निकालता है। और तीसरा नंबर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग जो है UNDP, ये जो है निकालता है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ये देखिए यहाँ पर एक भ्रम हो जाता है कभी कभी। UNDP का एक और फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, इसको ध्यान रखें। तो चौथा है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह भी जो है शिशु मृत्यु दर का विश्व स्तरीय, विश्व के तमाम देशों की तुलना करके, जितने भी देश हैं उन सब देशों की उनके तुलना करके वो निकालते हैं, और हर देश वाइज वो अलग अलग आंकड़ा और तुलनात्मक आंकड़े भी निकालते हैं। तो ये हो गया विश्व, जो 4 कौन कौन जारी करते हैं ये शिशु मृत्यु दर के आंकड़े कौन जारी करते हैं, एक हो गया यूनिसेफ, दूसरा हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और तीसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग, और चौथा हो गया विश्व बैंक समूह। अब आइए हम देखते हैं एक चीज़ और, इसमें कुछ बातें खास निकल के आई हैं। ये जो प्रश्न अभी हम पढ़े हैं, ये दो दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण तो था ताज़ा आंकड़ा, ये जो बदलता रहता हर साल, अगले साल फिर और बदल जाएगा और साल बदल जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा इसमें एक दृष्टिकोण से पढ़ा जो फैक्ट है कि जो शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा कौन जारी करता है ये, या इसकी शिशु मृत्यु दर की परिभाषा जो है ये हमेशा बना रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ क्या है, ये तथ्य है कि कौन जारी करता है। तो लड़कियों की तुलना में 2017 में लड़कों के मृत्यु दर में कमी आई है और कमी हुई है। 2017 में जो है 1000 मेल बच्चों पर यानी कि लड़कों पर 39 मौत हुई है बच्चों की, जबकि लड़कियों के मामले में 1000 पुरुषों 1000 बच्चों पर 40 लड़कियों की मौत हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का मृत्यु दर कम रही है 2017 में। अब आइए दूसरा पॉइंट एक और समझते हैं, जन्म के एक माह के अंदर दुनिया में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है,
ये भी आंकड़ा अखबार की सुर्खियों से है और तमाम इंटरनेट या और तमाम जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं। तो जन्म के एक माह के अंदर दुनिया के में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, मैंने अभी ये आंकड़ा इस साल के लिए है 25 लाख लगभग बच्चे जो है मर जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर आगे देखना है कि अब यहाँ पर एक और आंकड़ा आता है कि बच्चों के जो ग्रुप है वह आयु सीमा में बदलाव होता है, 1 से 1 महीने के अंदर या 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर के आगे तक, इस तरह के देखेंगे हम। विश्व में 5 वर्ष से कम उम्र यानी 1 से लेकर के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 54 लाख बच्चों की मृत्यु अभी 2017 के आंकड़े बता रहे हुई है, जिसमें भारत का सर्वाधिक आंकड़ा है। भारत में सर्वाधिक मृत्यु हुई है 6.05 लाख। जब पूरे दुनिया में 54 लाख बच्चों की मृत्यु 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की हुई है तो उसमें से भारत अकेला 6.05 लाख, भारत में अकेले इतने ज़्यादा बच्चों की मृत्यु है, तो सर्वाधिक मृत्यु भी शिशु मृत्यु दर भारत में है। अब देखिए सर्वाधिक मृत्यु दुनिया में 5 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है, कितने बच्चों की मौत 2017 में हुई तो 7 लाख बच्चे। इस 7 लाख में से भारत के कितने हैं 1.52 लाख, इतने बच्चे भारत के हैं, ये भी आंकड़ा सर्वाधिक है। अब देखिए समेकित रूप से 15 वर्ष, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 से 5 वर्ष और 5 से 14 15 वर्ष, लेकिन अब 5 से 14 यानी अब आप यहाँ देखें कि 1 से लेकर 15 वर्ष तक समय की आंकड़ा, तो 15 वर्ष से कम उम्र के 63 लाख बच्चों की मौत दुनिया भर में हुई है। भारत में 1990 से 2017 तक 17 वर्ष में अर्थात 17 वर्ष में शिशु मृत्यु दर में 72 लाख की कमी आई है ये 17 वर्ष में, यानी निरंतर हम सुधार की तरफ हैं और विकास कर रहे हैं। दुनिया के 4 देशों के नाम बताइए जहां पर बच्चों की सर्वाधिक मृत्यु हुई है, क्रमशः सबसे ज्यादा मृत्यु भारत में, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया में, तीसरे नंबर पर चीन में और चौथे नंबर पर पाकिस्तान में। यानी कि हम अगर देखें तो अपने 2 पड़ोसी देशों से हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर अभी भी ज्यादा है। वो 2 पड़ोसी देश जहाँ से जिनकी तुलना में हमारे देश का जो है शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है वह है चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान से भी हमारा यहाँ जो है शिशु मृत्यु दर मतलब ज़्यादा है और ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल हम निरंतर सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी कभी ऐसी कोई बहुत उपयोगी होगी आपको, इसे अद्यतन आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।